इंडिया गठबंधन की पहली बैठक मणिपुर की घटना को लेकर संपन्न हुई है। सभी दलों के साथी यहाँ उपस्थित हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, जेएमएम से विनोद पांडे जी, विजय हांसदा जी, फागु बेसरा जी, हमारे साथ खीरू महतो जी हैं जो जदयू के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, आदरणीय बंधु तिर्की जी, फागु बेसरा जी, साजादा अनवर जी, हम लोग मिलकर के जो केंद्र सरकार की निकम्मी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार तो बताती है अपने आप को, लेकिन जिस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ या यूं कही आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसको हम इंडिया गठबंधन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में बैठक हुई और हम लोगों ने यह तय किया है कि हम लोग 1 जुलाई को राजभवन के सामने, 1 अगस्त को राजभवन के सामने 11 बजे से सभी इंडिया के घटक दल के साथी बैठेंगे और इस घटना का विरोध करेंगे। साथ ही साथ सभी जिलों में हम लोग मिलजुल कर इंडिया के बैनर तले उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना देकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और ये मांग करेंगे कि जो मणिपुर में घटना हो रही है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, साथ ही साथ वहाँ कानून व्यवस्था का राज स्थापित हो। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। जो घटना अभी घटी थी उस पर भी जेएमएम के साथी और अन्य साथियों ने, चूंकि सीपीआई के नेता थे सुभाष मुंडा जी, उनके प्रति जो सीपीएम के उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई है और हम लोग इस मसले को काफ़ी गंभीरता से लिए हैं और सरकार के जो मुखिया हैं हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कानून का राज रहेगा, कोई भी इस तरह की घटना होगी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पिछले दिनों जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय आलमगीर आलम साहब ने, माले के विनोद सिंह जी ने और तमाम जो जदयू और राजद के साथी थे, राजद के साथी सत्यानंद भोक्ता जी ने, सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि एक इंडिया की बैठक हो और उस बैठक में सब लोग शामिल होकर के अपनी अपनी राय दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।